कबूतर भैया, इस बार जानकारी मिली है मौसम बहुत अच्छा रहेगा, तो हमें इस बार किस चीज की खेती करनी चाहिए? टूनी, मैं सोच रहा हूँ इस बार हमें अंगूर की खेती करनी चाहिए। इन दिनों बहुत अच्छी होती है अंगूर की फसल। हाँ हाँ कबूतर भैया, अंगूर की खेती ही सही रहेगी, लेकिन हर बार हमारी फसल जब पक के तैयार होती है तो कालू और गोरी उसे चुरा कर ले जाते हैं। हाँ टोनी, वो दोनों तो कभी मेहनत नहीं करते, बस हमेशा चोरी का ही खाते हैं। परंतु इस बार हम उन्हें चोरी नहीं करने देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए कबूतर भैया, वो दोनों चोरी किए बिना नहीं मानेंगे। ऐसी बातें करते करते कबूतर और टोनी अपनी फसल बोने लग जाते हैं। कालू जी, जल्दी बताएं कि इस बार वो टोनी क्या बो रही है? गौरी जी, मैं अभी अभी सुन के आया हूँ, वह अंगूर की फसल बोने वाली है। अंगूर? अंगूर तो मेरा पसंदीदा फल है, इस बार तो मौज ही आ गई, जी भर के अंगूर खाऊंगी। फिर कुछ समय बाद उनकी फसल पककर तैयार हो जाती है। कबूतर भैया, अब हमारी फसल पककर तैयार हो गई है, अब बताएं आपने उन दोनों पति पत्नी के बारे में क्या सोचा है? टूनी चिड़िया, सोचना क्या है, दिन में तो आप रखवाली करना और रात के समय में मैं रखवाली करूँगा, फिर देखते हैं वो हमारे खेतों से चोरी कैसे करेंगे। ऐसा कहकर कबूतर अंगूर बेचने चला जाता है और टूनी अपनी फसल का ध्यान रखती है। चले कालू जी, अब मुझसे सूखा दाना और नहीं खाया जाता। वो कबूतर और चिड़िया तो बाजार में अपने अंगूर बेचने चले गए होंगे। नहीं नहीं गौरी जी, बस वो कबूतर ही बाजार गया है, वो टोनी तो वहीं अपनी फसल के पास है। अब तो वो टोनी भी वहाँ से चली गई होगी कालू जी, अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों घर से निकल जाते हैं और अंगूर की फसल के पास आ जाते हैं, पर टोनी को वहीं देखकर एक दूर पेड़ पर बैठ जाते हैं। मैंने कहा था ना गौरी कि टोनी अभी अपनी फसल के पास ही है। हाँ कालू जी, हम यहीं पर बैठकर इसके जाने का इंतजार करते हैं। ऐसा कहकर वह दोनों टोनी के जाने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन टोनी वहाँ से कहीं नहीं जाती। लगता है आज फिर सूखा दाना ही खाना पड़ेगा, पर कालू जी हम रात को जरूर आएंगे और ढेर सारे अंगूर ले जाएंगे। ऐसा कहकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं और रात भी हो जाती है। गोरी और कालू दोबारा टोनी की फसल पर चले जाते हैं। कालू जी ये क्या हुआ, रात में भी ये कबूतर यहाँ जागा हुआ है। गौरी जी, इस बार तो चोरी करने का इरादा बदल ही दीजिए, ये दोनों कड़ी नजर रखे हैं अपनी फसल पर। चुप कर जाओ कालू जी, अंगूर तो मैं खा कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं जैसा कहती हूँ आप वैसा ही करना। ऐसा कहकर गोरी कौवी कबूतर के पास चली जाती है। ए गंदी चोंच वाले कबूतर, तुझे नींद नहीं आती जो तू रात में भी जाग रहा है? काली शकल वाली गोरी, तू इस समय यहाँ क्या कर रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे काली कहने की, आज तक किसी ने मुझे काली नहीं कहा। ऐसा कहकर गोरी कबूतर पर हमला कर देती है। दोनों में खूब डटकर लड़ाई हो रही थी। इधर कालू भी जल्दी जल्दी अंगूर तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। बस कर कबूतर, और कितना लड़ेगा, मेरा तो सर ही फूट गया है। मेरी आँख पे जो तूने ये घूंसे मारे हैं उसका क्या, मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। सुबह अच्छे से इलाज करा लेना अपना, वरना अंधा हो जाएगा। ऐसा कहकर गोरी वहाँ से चली जाती है और इधर कालू मीठे मीठे अंगूर खा रहा था। बस कर जा कालू, सारे अंगूर तू ही खा जाएगा। नहीं नहीं गौरी जी, आपके लिए भी रखे हैं अंगूर। ये क्या, आपके सर से तो खून निकल रहा है, लगता है ज्यादा मार लगा दी कबूतर ने। यह कहकर कालू हंसने लगता है। चुप कर जा बेशरम कालू, एक तो तुझे अंगूर खिला दिए, ऊपर से मेरे ऊपर हंस रहा है। मैंने भी खूब चटनी बनाई उस कबूतर की, आँख पे मारा मैंने घूसा, ठीक से देख भी नहीं पा रहा था वो। फिर वह दोनों अंगूर खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह टोनी अपने खेत पर चली जाती है।
कबूतर भैया, आपकी ये हालत कैसे हुई? आपकी आंख पर तो बहुत चोट लगी है। फिर कबूतर टोनी को सारी बातें बताता है। कबूतर भैया, आपको तो सब कुछ पता है उस शैतान गौरी का, फिर क्यों आपने उससे लड़ाई की? मुझसे सुना नहीं गया टोनी, मैंने भी सर फोड़ दिया उस गौरी का, खून निकल गया था। चले कबूतर भैया, पहले आपका इलाज होना जरूरी है, उनका तो बाद में कुछ करेंगे। ऐसा कहकर कबूतर को इलाज कराने डॉक्टर के पास ले जाती है। इधर गौरी का सर भी सूजा हुआ था। गौरी जी, क्या हम रोज इसी तरह से अंगूर खाया करेंगे? नहीं कालू जी, अब मुझे लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। कबूतर को तो वैसे भी कुछ ठीक से दिखाई नहीं देगा, और वह टोनी तो रात में अपनी बच्चियों के पास रहती है। और इधर टोनी भी अपनी एक चील सहेली के घर चली जाती है और उसे कालू और गौरी की सारी बातें बताती है। तू चिंता ना कर टोनी, मैं उस गौरी को अच्छा सबक सिखाऊंगी, आज रात के बाद वह चोरी करना भूल जाएगी। और फिर रात हो जाती है। कालू और गौरी अंगूर चुराने निकल जाते हैं। देखा कालू जी, जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ, यहाँ कोई भी नहीं है। चलो गौरी जी, अब हम ढेर सारे अंगूर तोड़ लेते हैं। जैसे ही गौरी अंगूर तोड़ती है, पत्तों में छिपी चील वहाँ से बाहर आ जाती है और कालू और गौरी की खूब पिटाई करती है। रुक जाओ चील जी, हमें माफ कर दो, हम आज से चोरी नहीं करेंगे। कौवे की बात सुनकर चील रुक जाती है। कालू जी, कितना मारा है इस चील ने, मेरा तो पंख ही तोड़ दिया, अब मैं कैसे उड़ पाऊंगी? गौरी, तुम कभी चोरी ना कर पाओ, इसीलिए तुम्हारा पंख तोड़ा। और कालू, तुझ पे तो मुझे विश्वास है, तू अकेला चोरी कर ही नहीं सकता। ऐसा कहकर चील वहाँ से चली जाती है। कालू और गौरी को भी अच्छा सबक मिल गया था और वह आज के बाद चोरी ना करने की कसम खाते हैं। सुंदरवन के जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। उसे त्योहारे मनाना बहुत पसंद था। उसे जिन जिन त्योहारों की जानकारी थी वह सब मनाती। लेकिन टूनी बहुत गरीब थी, वह बाजार में सब्जियाँ बेचती। अरे पिंकू भाई, बाजार में आज इतनी सजावटें किस लिए है? बड़े दुकानदारों ने बाजार को कैसे सजा रखा है? कोई खास दिन है क्या? अरे टूनी चिड़िया, दो चार दिनों में गणेश चतुर्थी का त्योहार आने वाला है, इसीलिए ये सारी सजावटें की गई हैं। तो भैया, ये सब अपनी दुकानों में गणेश जी की पूजा कर रहे हैं? अरे नहीं टूनी बहन, ये इन मूर्तियों को बेच रहे हैं। बड़े बड़े लोग ये मूर्तियाँ खरीद कर अपने घर ले जाएंगे और विसर्जन वाले दिन गंगा में इनका विसर्जन कर देंगे। भैया, क्या हम ये मूर्ति अपने घर नहीं ले जा सकते? हमको बातों में लगा दे, ग्राहक आगे निकलते जा रहे हैं और तुम इस गणेश चतुर्थी पर ध्यान मत दो, हमें तो दो टाइम का भोजन मिल जाए वो ही काफी है। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। टोनी चिड़िया अपनी सारी सब्जियां बेच देती है और जितने भी पैसे उसे मिलते हैं वो उन्हें लेकर बड़े दुकानदार के पास चली जाती है। अरे विश्वनाथ भैया जी, ये गणेश जी की मूर्ति कितने रुपए की दी है? अरे ये वाली तो सबसे कम दाम की है, 6,000 की है बस, और आगे वाली 8,000 की है, और बड़ी वाली 10,000 की है। बताओ कौन सी लानी है? टोनी अपने पैसे देखती है। अरे भैया, मेरे पास तो बस 250 रुपए है। अरे 250 रुपए? 250 रुपए में तो मैं गणेश जी का श्रृंगार भी नहीं देता। आएगी मूर्ति लेने, हटो हटो, ग्राहकों को आगे आने दो। सभी दुकानदार टोनी पर हंसने लगते हैं और उसके पड़ोसी भी उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे ये टोनी पागल हो गई है, इसकी सब्जी तो अच्छे से बिक नहीं पाती है, चली है मूर्ति खरीदने। तुम गरीब हो, गरीबों की तरह नहीं रह सकती, तो कहीं जाकर मर जाओ और ऊपर बैठकर सभी त्योहार मनाती रहना। ये किसके मुंह लग गए तुम सब? चलो यहाँ से, गणेश जी का सारा सामान खरीदना है और शाम भी होने वाली है, इसका क्या है, चलो यहाँ से। और सभी पड़ोसी भी टूनी को ताने मारते हुए आगे बढ़ जाते हैं। टूनी बहुत उदास होकर अपने घर आ जाती है और अपने बच्चों से कहती है, बच्चों आप सब ये खाना खा लेना, मैं जंगल जा रही हूँ। पर मम्मा, रोज तो आप सुबह जंगल जाती हो, आज इस समय क्यों जा रही हो? बच्चों
मुझे कोई जरूरी काम है इसलिए मैं जा रही हूँ। आप खाना खाकर सो जाना। ठीक है माँ, आप कब तक आओगे? मैं आ जाऊंगी, अपना ध्यान रखना। टोनी जंगल चली जाती है और अपनी गरीबी पर फूट फूट कर रोने लगती है। मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ भगवान, अपनी मेहनत से जो मिलता है उसी से खुश हूँ। फिर इन लोगों को मुझे इतना ताने सुनाने का क्या हक है? भगवान, मैं गणेश चतुर्थी का त्योहार अवश्य ही मनाऊंगी। क्या हुआ अगर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है? और टोनी नदी किनारे से गीली मिट्टी निकालकर गणेश जी की मूर्ति बनाने लगती है और बहुत मेहनत करने के बाद वो एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी मूर्ति को आकार देती है। अरे वाह, मैंने कितनी प्यारी और बड़ी मूर्ति बनाई है, बिल्कुल बाजार वालों के जैसी, पर मेरी मूर्ति कितनी बेरंग दिख रही है। तभी नदी किनारे खिले रंग बिरंगे फूलों को एक चूहा काट रहा था जिनसे बहुत ही प्यारा रंग टपक रहा था और टोनी की नज़र उन फूलों पर पड़ती है। अरे कितना प्यारा कलर है, ये कलर तो मुझे अपनी मूर्ति में भरना चाहिए। जय हो गणेश भगवान जी की। और इस तरह से टोनी को कलर भी मिल जाते हैं। वो एक बहुत ही सुंदर गणेश जी की मूर्ति तैयार करती है। कितनी सुंदर और प्यारी लग रही है मेरी मूर्ति, अरे बाप रे मेरी नज़र न लग जाए। और टोनी अपनी मूर्ति को बार बार निहारते हुए वहीं सो जाती है। और सुबह हो जाती है और जंगल के सारे पक्षी पानी लेने नदी पर आ जाते हैं। अरे वो देखो, टोनी ने क्या हाल बना रखा है, सारी मिट्टी में सनी पड़ी है, आखिर ये कर क्या रही है? और वो देखो गणेश जी की कितनी प्यारी मूर्ति रखी है। टोनी तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये मूर्ति यहाँ कैसे आई? मैंने इसे मिट्टी से बनाया है और फूलों से कलर किया है, अब मैं भी गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाऊंगी। मिट्टी की मूर्ति, ये तो हाथ लगाते ही टूट जाएगी, तुम इसे घर तक कैसे ले जाओगी? टोनी गरीब थी लेकिन अब तो लगता है अकल भी नहीं है। चलो चलो कवि जी। लगता है सब्जी के साथ साथ दिमाग भी बेच आई हो टोनी। और सभी पक्षी टोनी पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मैं मूर्ति को घर कैसे लेकर जाऊंगी, मूर्ति बहुत भारी है और मिट्टी की है, कहीं सच में न टूट जाए। टोनी सोच में पड़ जाती है और तभी उसके पास एक मूसक आ जाता है। तुम इतनी दुखी क्यों हो चिड़िया, तुम्हें क्या हुआ है चिड़िया? मूसक जी, मुझे इस मूर्ति को घर ले जाना है पर समझ नहीं आ रहा कैसे ले जाऊं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, पर तुम्हें मुझे घर ले जाकर गणेश जी को भोग लगा के लड्डू और मोदक खिलाने होंगे। बिल्कुल मूसक जी, पर आप इतने छोटे से हो, इतनी बड़ी मूर्ति का भार कैसे उठा पाओगे? इसकी चिंता तुम मत करो चिड़िया, बस देखती जाओ। मूसक मूर्ति के नीचे बैठ जाता है और उसका आकार बड़ा हो जाता है। फिर वो मूर्ति को लेकर खुशी के साथ उछल उछल कर घर आ जाता है। अरे मूसक, तुम इतनी ताकतवर कैसे हो गए? अरे टोनी, मैं तो गणपति बप्पा जी की सवारी हूँ और अपनी सवारी को उठाने के लिए मुझ में कोई ताकत नहीं आई, मैं तो पहले से ही ताकतवर हूँ। टोनी समझ जाती है यह सब गणपति जी की ही कृपा है, तुम धन्य हो भगवान। और सारे जंगल में टोनी की मूर्ति के चर्चे होने लगते हैं। मूर्ति देखने बड़े बड़े जंगलों से बड़े बड़े सेठ आने लगते हैं। अरे वाह टोनी, क्या लाजवाब मूर्ति बनाई है, क्या तुम हमारे लिए ऐसी कुछ मूर्ति बनाओगी? हम तुम्हें उसके बदले बहुत अच्छे पैसे देंगे। टोनी बहुत खुश हो जाती है और मूर्तियां बनाने का काम शुरू कर देती है। यह बात बड़े बड़े व्यापारियों के कानों तक पहुंचती है और वह टोनी के पास चले जाते हैं। देखो टोनी, तुम सब्जी व्यक्ति हो, सब्जी पर ध्यान दो, हमारे धंधे में टांग मत अड़ाओ वरना हम तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे, क्या भाइयों? हाँ हाँ भाइयों, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, इसकी वजह से हमारी